बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ी और अहम खबर से आगाह करें कि GSK ने पेनाडोल गोली और सिरप की प्रोडक्शन बंद कर दी। मारूफ मल्टी नेशनल अद्वियात साज कंपनी GSK ने पाकिस्तान में पेनाडोल की गोलियां और बच्चों के सिरप की प्रोडक्शन का सिलसिला रोक दिया। आखिर क्या ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये अमल वजूद में आया, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आपके पास। जी हां व्यूअर्स, इस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि GSK पाकिस्तान के जनरल मैनेजर फरहान हारून ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि पेनाडोल टेबलेट्स, पेनाडोल एक्स्ट्रा और बच्चों की सिरप बनाना बंद कर रहे हैं। खत में कहा गया कि मौजूदा कीमत पर पेनाडोल प्रोडक्ट्स बनाना कंपनी के लिए मुमकिन नहीं रहा। ड्रग डिलीवरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पेनाडोल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की थी, जिसे वफाकी काबीना के अरकान ने मुस्तरद कर दिया था। GSK पाकिस्तान के जनरल मैनेजर के खत में लिखा गया कि गुज़िश्ता कई महीनों से नुकसान उठाकर पेनाडोल बना रहे हैं, जो कि अब मुमकिन नहीं। हुकूमत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की मंजूर शुदा कीमत मंजूर कर ली तो अद्वियात दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। वाजा रहे कि इससे कबल भी पेनाडोल की रस्द का सिलसिला जारी था, ताहम जहीरा अंदोजों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की जानिब से मुख्तलिफ बड़े शहरों में इसे स्टॉक करके इसकी कीमत बढ़ा दी गई थी। पेशावर, कराची और लाहौर में हुकाम की जानिब से कई गोदामों में छापे मार कर हज़ारों कार्टन बरामद किए जा चुके हैं।